हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल रजनी सिंह ऑफिशियल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग इस्कॉन टेंपल जा रहे हैं जो कि जुहू में है। फ्रेंड्स, मैं भी इस्कॉन टेंपल पहली बार जा रही हूँ और देखते हैं। मैंने बहुत इस्कॉन टेंपल का बहुत नाम सुना है, लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि आप मुंबई में हो, आप इस्कॉन टेंपल नहीं गए क्या? गाइस, बहुत खुशी की बात है कि आज हम इस्कॉन टेंपल जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आज हमारे साथ माही जा रही है। देखो माही कितनी डरी डरी सी लग रही है, मेरी गोद में बैठी हुई है। फ्रेंड, माही को घूमना बहुत अच्छा लगता है, जब हम लोग इसे घुमाने ले जाते हैं तो फ्रेंड बिल्कुल नहीं रोती और आगे की सीट पर बहुत अच्छा लगता है। आप वीडियो में बने रहिए, अभी हम कुछ ही समय में इस्कॉन टेंपल पहुंचने वाले हैं। गाइस, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए। धन्यवाद। फ्रेंड्स, हम इस्कॉन टेंपल पहुंच गए हैं। इस्कॉन टेंपल का मुख्य द्वार है जहां से हम लोग जाएंगे। फ्रेंड्स, यहां चेकिंग भी बहुत खास होती है और आप देख सकते हैं यहां का नज़ारा। हरे रामा हरे कृष्णा की मधुर धुन। फ्रेंड्स, अब हम लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कितना भव्य नज़ारा है। फ्रेंड्स, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा की मधुर धुन जो बहुत ही शांति प्रदान करती है। फ्रेंड्स, आप जब भी मुंबई आएँ तो यहाँ इस्कॉन टेंपल जरूर आएँ। यहाँ बहुत ही शांति है, बहुत ही आनंद है। यह इस्कॉन टेंपल फ्रेंड्स बाके बिहारी के नाम से भी जाना जाता है, लोग बाके बिहारी का मंदिर भी कहते हैं। यहाँ बहुत सारी झांकियाँ हैं फ्रेंड्स जो मन को मोह लेती हैं। फ्रेंड्स, इस्कॉन टेंपल संगमरमर से बना हुआ है जो कि बहुत ही भव्य देखने में लगता है। फ्रेंड्स, हरे रामा हरे कृष्णा की गूंज में भी यहाँ बहुत शांति मिलती है। आप देख सकते हैं Yeah.
उस समय हम लोगों ने भी बैठकर वहाँ हरे कृष्णा हरे रामा की मधुर धुन का आनंद लिया। बहुत ही सुंदर धुन गूंज रही थी, हम अपने आप को रोक नहीं पाए और हरे कृष्णा हरे रामा देखें। कपड़े वगैरह भी मिल रहे हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स अभी शाम हो चुकी है और हम लोग घर वापस जा रहे हैं। माही भी बहुत खुश है। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करें बताएं। आप अपने चैनल रजनी सिंह ऑफिशियल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।